हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जल निगम भर्ती 2021 800 प्लस वैकेंसी आ चुकी है जूनियर इंजीनियर के लिए, ए के लिए, कलर के लिए भर्ती आ चुकी है। अगर आप लोग 10वीं पास तो 12वीं पास कर रखे हो और आपने जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है, डिग्री है आपके पास और आपने सिर्फ 10वीं पास भी कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो। जी हाँ दोस्तों, मई में जो है ऑनलाइन शुरू होने वाला है। आज की बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अमर उजाला न्यूज और हिंदुस्तान दोनों में जो है पब्लिश की गई है कि जल निगम में 800 पदों पर भर्ती जल्द है। पूरी जानकारी देंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, ए टू जेड सारी जानकारी मिलने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, अवसर जल निगम में एई और जेई समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती। नीचे आप लोग देखिए हिंदुस्तान जॉब्स की न्यूज है जो कि जल निगम के बारे में अपडेट मिल रही है। चलिए अमर उजाला की देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देखिए, लखनऊ शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 पेज नंबर 2 पर आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी। तो लखनऊ शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 बिल्कुल आज ही की न्यूज है, आपको पेज नंबर 2 पर मिल जाएगी। बोला गया है कि जल निगम में 800 पदों पर भर्ती जल्द, ए के 98 वैकेंसी आएगी, जेई के लिए 642 वैकेंसी आएगी और जो कलर की वैकेंसी है 100 वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल बहुत ही बड़ी ऑफिशियली अपडेट निकल के आ रही है। जल निगम की व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए रिक्त तकनीकी पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत फिलहाल सहायक अभियंता व अवर अभियंता के अलावा लिपिक समय के रिक्त 800 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें सहायक अभियंता सिविल के 80 व सहायक अभियंता जो है विद्युत एवं यांत्रिक के 18 पदों के अलावा जेई के रिक्त 642 पद शामिल हैं। इसी प्रकार लिपिक समय के 100 पदों पर भी भर्ती होगी। निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तृतीय ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले दिनों जल निगम की व्यवस्था को सुधारने के लिए मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसले लिए गए हैं। शासन से मंजूरी के बाद अभियंताओं की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और लिपिक की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, UPSC जो है जेई और ए की भर्ती करेगा और UPSSC जो है कलर की भर्ती यहाँ पे करने वाला है। दोस्तों मई में जो है यह नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अभी यहाँ पे जो है शासन को प्रस्ताव के लिए भेजा गया है, जैसे ही मंजूरी मिलेगी यह भर्ती आ जाएगी। आपको बता दें 98 वैकेंसी जो है यहाँ पे ए के लिए है, जिसमें सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेड्स रखी गई है, ब्रांच में रखी गई है, और जो जेई की वैकेंसी है 642 वैकेंसी है, तो इसमें जो है अलग अलग इंजीनियरिंग ट्रेड में रखी गई है, जिसमें आप सभी को बता दें 642 प्लस 98, तो ये जो वैकेंसियां हैं जेई और एई की UPSC ये भर्ती करेगी। बाकी जो कलर की वैकेंसी है UPSSC भर्ती करने वाली है। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही थी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।